मकान किस किस ने बनाए? अपने अपने मकान में कौन कौन रहता? अपने अपने घर में, किराए के मकान में नहीं, अपने घर में। जम के जरा हाथ तो उठाओ। हाँ, रख लो रख लो। जिस मकान को आपने बनाया है, जिस दुकान को आपने बनाया है, जो प्रॉपर्टी तुम्हारे पास है, तुम्हारी वसीयत के, तुम्हारी प्रॉपर्टी के ढेर सारे हिस्सेदार रहेंगे। चार बेटे हैं तो चारों उस प्रॉपर्टी के हिस्सेदार है। बोलो सही है कि गलत है? जम के बोलो जरा। दो बेटे हैं तो दो हिस्सेदार है। तुम्हारी बेटी है तो उसका भी उसमें थोड़ा सा हिस्सा है। बोलो सही है कि गलत है? चार सगे भाई एक साथ रह रहे हैं और प्रॉपर्टी तुम्हारे पास में है तो चारों भाई का हिस्सा। तीन भाई रह रहे हैं तो तीन भाई का हिस्सा। दो बेटे हैं तो दो बेटों का हिस्सा। तुम्हारे मकान में, तुम्हारी प्रॉपर्टी में, तुम्हारी वसीयत में सबके हिस्से हैं, पर तुमने जो कर्म करा है उस कर्म को भोगने में किसी का हिस्सा नहीं है, केवल तुम्हारा अकेले का हिस्सा है। उस कर्म को कोई दूसरा नहीं भोगेगा। बाप के कर्म का भोग बेटा नहीं भोगता, बेटे के कर्म का भोग बाप नहीं भोगेगा। अपने कर्म का भोग अपने को भोग, अपने कर्म का भोग हम अपने आप में अपने को भोगना पड़ेगा। तुम्हारी प्रॉपर्टी के हिस्सेदार बहुत सारे होंगे, तुम्हारी वसीयत के हिस्सेदार बहुत सारे होंगे, तुम्हारी दुकान के हिस्सेदार बहुत सारे होंगे, पर तुम्हारे झूठ बोल रहे हो, कर्म बेकार कर रहे हो, कपट कर रहे हो, किसी को अपशब्द कह दिया, किसी को ताने दे दिए, किसी को गाली दे दी, किसी का थोड़ा सा धन तुमने अपना बना लिया, उसके हिस्सेदार बहुत सारे नहीं होंगे, उसका हिस्सेदार केवल तुम हो, कोई दूसरा नहीं। इसलिए तो शिव महापुराण की कथा कहती है, अपने भजन के बल को बढ़ाओ। अपने कर्म का भोग अपने को भोगना है। पहले एक बार कथा में कहा था, आप में से कई माताओं ने सुना होगा, कई भाइयों ने सुना होगा, छींक अपने को आ रही है। बोला था कि नहीं बोला था? छींक अपने को आ रही है तो क्या पड़ोसी छींकेगा? जम के बोलो जरा, जम के बोलो। नहीं। खांसी अपने को चल रही है तो पड़ोसी खांसेगा? भूख अपने को लग रही है तो क्या पड़ोसी भोजन करेगा? प्यास अपने को लग रही है तो क्या पड़ोसी पानी पिएगा? नहीं। सिर मेरा दुखा है तो गोली भी मुझे खाना पड़ेगी, पेट मेरा दुखा है तो गोली भी मुझे खाना पड़ेगी, हाथ मेरा दुखा है तो गोली मुझे खाना पड़ेगी, खांसी मुझे आई है तो खांसना मुझे पड़ेगा, अगर छींक मुझे आई है तो छींकना मुझे पड़ेगा, सिर में दर्द मेरे हुआ है तो दवाई गोली मुझे खाना पड़ेगी। उसी तरह आपने अगर कर्म बेकार करा है तो भोगना भी आपको पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं भोगने वाला।